हाय गाइस, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। तो गाइस, आज मैं आया हूँ हुमायूं का मकबरा। हालांकि मैंने आपको हुमायूं का मकबरा पहले भी दिखा रखा है, लेकिन गाइस आज जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा कि हुमायूं के मकबरे में जो 150 से ज्यादा कब्रें क्यों बनाई गई हैं और पहले के लोग जो है क्या सोचते थे, किस वजह से जो है मकबरे को बनाया जाता था। तो गाइस आज मैं आपको यही दिखाने वाला हूँ और इसी के बारे में जो है बताने वाला हूँ। तो गाइस चलिए अब हम इस व्लॉग को शुरू करते हैं। तो गाइज आज हम पहुंच चुके हैं हुमायूं का मकबरा, जिसका शानदार व्यू आप ये बाहर का देख सकते हो गाइज। और गाइज आज जो है मैं आपको 150 कब्रों का राज बताने वाला हूं, जो कि हुमायूं के मकबरे में छुपा हुआ है। और गाइज ये केवल जो है हुमायूं का मकबरा नहीं है, यहां पर जो गाइज 150 कब्रें बनाई गई हैं उनके पीछे की क्या स्टोरी है, क्या उनके पीछे का लॉजिक है, वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइस जब आप अंदर एंट्री करते हो तो आपको ये दिखता है, ये है बू हलीमा का बाग। ये जो है बू हलीमा का बाग हुआ करता था, जिसकी अब हालत एकदम बेकार हो चुकी है। और गाइस उसके बाद जब आप अपनी राइट हैंड की तरफ देखते हो तो आपको ईशा खान का मकबरा दिखता है, जो कि हुमायूं के मकबरे से 20 साल पहले का है। तो गाइस यहाँ से हम अंदर जा रहे हैं और यहाँ से हम देखने वाले हैं बू हलीमा का मकबरा। जी हाँ गाइस, आप ये देख सकते हो, ये है बू हलीमा का मकबरा। और गाइस इसके बाद जो है हम और अंदर चलेंगे और अंदर जो है मैं आपको दिखाने वाला हूँ। क्या गाइस कभी आपने सोचा है कि पहले के जो लोग होते थे वो हम लोगों से जो है ठीक उल्टा जो है सोचते थे? कैसे, मैं आपको बताता हूँ। गाइस आजकल के जो लोग हैं वो सोचते हैं कि हमारे पास रहने के लिए अच्छा सा घर होना चाहिए, जो कि उनको खुद पता है कि उसमें वो ज़्यादा दिन तक जिंदा नहीं रह सकते। 40 साल 50 साल इससे ऊपर जो है नहीं रह सकते, या फिर 60 साल 70 साल तक जिंदा रह सकते हैं। लेकिन गाइस पहले के जो लोग थे वो ये सोचते थे कि हमारे पास इतनी जगह होनी चाहिए कि हम मरने के बाद जो है हमारा वहां पर मकबरा बन जाए। तो गाइज एकमात्र हुमायूं का मकबरा ही एक ऐसी जगह है जहां पर जो है उन लोगों की कब्रें बनी हुई हैं जो कि हुमायूं के रिश्तेदार भी नहीं थे, उनके परिवार के भी नहीं थे, यानी उन जिन्हें हुमायूं खुद भी नहीं जानते थे, उन लोगों की जो है यहां पर कब्रें बनी हुई हैं, देख सकते हो आप लोग। तो गाइज एक बात तो सुन रखी होगी आप लोगों ने कि जो पहले के राजा महाराजा हुआ करते थे वो जो है मरने से पहले जो है अपने मकबरे की तैयारी कर लिया करते थे, यानी अपनी कब्र की तैयारी कर लिया करते थे। और गाइज आप ये कब्रें देख सकते हो, ये जो है हुमायूं के ख़ानदान के भी हो सकते हैं, उनके रिश्तेदार भी हो सकते हैं, या फिर ऐसे लोग भी हो सकते हैं जिन्हें हुमायूं खुद भी नहीं जानते थे। तो गाइज हुमायूं का मकबरा ही एक ऐसी जगह है जहाँ पर उन लोगों की भी कब्रें हैं जिन्हें खुद हुमायूं के ख़ानदान का भी कोई नहीं जानता था। तो गाइस पहले जो है लोग महल को जो है कम अहमियत देते थे और मकबरे को जो है ज़्यादा अहमियत देते थे। तो गाइज आप लोगों ने जो है पहले सुन भी रखा होगा कि पहले जो है कोई किले पे या फिर महल पे कब्जा करता था तो वो सबसे पहले क्या करता था, उसके अंदर मकबरा ढूंढता था और मकबरे को जो है तोड़ता था, यानी उसको पता था कि वो जो है जब तक वो कब्र के अंदर है तब तक वो जिंदा रहेगा। तो गाइज इसलिए जो है उनकी कब्र को सबसे पहले हटाया जाता था और मकबरे को तोड़ा जाता था। तो गाइज आप लोगों ने जो है ऐसा भी सुना होगा कि पहले जो है बहुत सारे ऐसे राजा रहे हैं, ऐसे महाराजा रहे हैं जिनके पास जो है
इनका सब कुछ लूट गया और उनको जो है दफनाने की भी जगह नहीं बची, तो ऐसे भी लोगों की जो है कब्रें यहाँ पर मौजूद हैं। और दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले वाले ब्लॉग में बता रखा है कि हुमायूं को जो है यहाँ पर तीसरी बार जो है दफनाया गया है। जी हाँ गाइस, हुमायूं को जो है यहाँ पर तीसरी बार दफनाया गया, दो बार पहले और कहीं उनको दफनाया जा चुका है। तो गाइस, आप यहाँ पर ये कब्र देख सकते हो, जाहिर है उनके किसी खास की होंगी या फिर उनके ख़ानदान की भी हो सकती हैं। और उसके बाद गाइस, यहाँ पर आप देख सकते हो, ये है हुमायूं का मकबरा। जी हाँ गाइस, ये देख सकते हो, ये है हुमायूं का मकबरा। और यहाँ पर जो है इनको तीसरी बार दफनाया गया, पहली बार जो इनको पुराने किले में दफनाया गया था, उसके बाद जो है इनको पंजाब लेके जाया गया था, उसके बाद जो है यहाँ पर इनको दफनाया गया था, जिसका आप ये शानदार लुक देख सकते हो। उसके बाद गाइस, मैं आपको दिखाने वाला हूँ, ये जो दो कब्र आप देख रहे हो, ये जो है इनकी वाइफ की कब्र है। एक का नाम था हमीदा बानो, जिन्होंने जो गाइस इस पूरे मकबरे को जो है बनवाया था, हमीदा बानो ने जो है इस पूरे मकबरे को बनवाया था। तो गाइस, आप इस साइड आते हो तो यहाँ पर भी जो है आपको कब्र देखने के लिए मिल जाती हैं। और गाइस, जो यहाँ पर हवा आ रही है ना, शानदार हवा आ रही है यहाँ पर, और यहाँ पर जो है बहुत सारी आपको जो है कब्रें देखने के लिए मिल जाएंगी। और इसके बाद गाइस, आप यहाँ पे भी देख सकते हो, यहाँ पर भी जो है आपको कब्र देखने के लिए मिल जाएंगी। तो गाइस, अब यहाँ पर जो है मैं आपको नाई का मकबरा भी दिखाने वाला हूँ। जी हाँ गाइस, आप यहाँ पर देख सकते हो, ये है नाई का मकबरा। देख सकते हो कितना जो है इसको नाई का मकबरा भी जो है इतना सुंदर बनवा रखा है, देख सकते हो। और यहाँ पर जो है एक कब्र नाई की बताई जाती है, एक उनकी वाइफ की बताई जाती है। देख सकते हो आप लोग इसका ये लुक, क्योंकि जो है राजा हुमायूं थे गाइस, उनका ये सोचना था कि उनके सभी लोग अपने हैं, चाहे वो उनको जानते हों या फिर ना जानते हों। ये जो है उनकी सोच थी कि वो सबको जो है अपना मानते थे, चाहे वो उनको जानते हों या फिर ना जानते हों। तो गाइस, अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो गाइस, अब हम इस व्लॉग का एंड करते हैं। और गाइस, आई होप आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिर मिलते हैं किसी नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद दोस्तों।